तो गैस अगर आप भी सोलो में पुशिंग करते हो तो बिल्कुल सही वीडियो में क्लिक किए हो। यहाँ पे देखो मैं भी एक सोलो प्लेयर हूँ और सोलो खेल के भाई मैं ग्रैंड मास्टर भी लगाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे देखो एक भी स्क्वाड नहीं खेला मैं भाई, एक भी डुओ नहीं खेला, ओनली सोलो खेला। अब देख लो आप लोग मेरा रैंक स्कोर, यहाँ पे ओनली सोलो खेल के मैं पुशिंग किया हूँ। स्टार्टिंग में मैं टॉप 100 के अंदर भी जा चुका हूँ, बट अभी सोनिया की वजह से पुशिंग करना छोड़ दिया। बट दिसंबर के बाद शायद सोनिया एबिलिटी चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर से पुशिंग करने लगूँगा। तो यार आप लोग अगर मेरा गेम प्ले देखोगे पूरा एंड तक, तो मैं कैसे खेला, कैसे खेल के मैं ग्रैंड मास्टर लगाया, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो यार देखो जो जो सोलो पुशिंग करते हैं सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होता है लैंडिंग करने का। अब मेरा स्ट्रेटजी ये है कि भाई एक जगह मैं अपना चॉइस करके लग रहता हूँ, जिसके बारे में मेरे को चप्पा चप्पा पता होता है, कहाँ पे कौन सा गन होता है, कहाँ पे मेडिकेट होता है, कहाँ पे की होता है, कहाँ पे कुछ होता है, तो मैं हमेशा यहीं पे ही लैंडिंग करता हूँ। हाँ जब ज़्यादा हार्ड लो भी आ जाए तब मैं पूरा एंड में जा कर साइड में लैंडिंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो बंदे उतने हार्ड भी नहीं आए हैं और अभी मेरे को डर भी नहीं लगता, क्योंकि स्टार्टिंग का सीज़न में पुशिंग करना ही तो करना है सोचता हूँ। और एक चीज़ गाइस, आप लोग डर डर के मत खेलना, पूरा कोने में जाके ऐसे खेलना है ऐसे, बट पूरा डरना मत। बट लूट जहाँ पे आपको मिले, मैं कोने में आपको इसलिए लैंडिंग करने को बोलता हूँ ताकि आप लोग लूट अच्छे से कर पाओ। लेकिन आपका थोड़ा बहुत भी गेम प्ले अगर अच्छा है तो आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं कोने में लैंडिंग करने का, आप लोग अपना जो फेवरेट प्लेस है वहीं पर लैंडिंग कर सकते हो। आपको ज़्यादा समझ आ गया कि कहाँ पर गन होगा, कहाँ पर बंदा होगा। अब देखो ये मेरा फेवरेट प्लेस है, तो मेरे को पता था कि यहाँ पर क्लोज रेंज का गन कोई ना कोई होगा। अब मेरे को फुट स्टेप आया, तो आपके पास जो बंदे लैंडिंग तो कहीं पे भी करोगे एक ना एक बंदे आएंगे, तो दिल रहते हुए उसको मारने के लिए चले जाना है आपको। अब देखो ये बंदा को मैं डैमेज दिया, ये बन गया भाई सोनिया, मैं वहाँ पे थोड़ा रुक गया, उसके बाद ये मर गया इजीली। तो अभी देखो अभी भी दिल है मेरा, तो अभी भी कोई बंदा आएगा तो इसको मैं मारूँगा। देखो अब इसको भी मैं इजीली मार दिया। तो स्टार्टिंग में आपको फाइट करना है और रुकना नहीं है, गन पर लूट करना नहीं है, क्योंकि जब तक दिल है तब तक फाइट करना है। दिल चला जाएगा उसके बाद आपको रश नहीं करना है, आपको लूट वगैरह करना है। तो देखो यहाँ पे ये बंदा को हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा था मैं, बट मेरा हेडशॉट नहीं लगता, थोड़ा फोन लेक हो जाता है, क्या करूँ। बट फिर भी से देखो तीनों बंदा को मैंने किल किया MP40 से, बट भाई तीनों को हेडशॉट लगा एक ना एक। तो यार ऐसा लो डिवाइस में मैं इतना हेडशॉट मार रहा हूँ, अब न्यू फोन लूँगा तो क्या ही खतरनाक खेलूँगा। अब आने दो यार, फ्री फायर इंडिया जैसे ही आएगा मैं आईफोन लेने का सोचा हूँ, आईफोन प्लस लूँगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना कि कौन सा फ़ोन लूँ, आईफोन प्लस या फिर कोई एंड्रॉयड लूँ ज़्यादा हैवी वाला, आप लोग कमेंट करके बताओ। मेरे को उतना नॉलेज नहीं है मोबाइल के बारे में, तो सो ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग जिसको कमेंट करके ज़्यादा कमेंट आएगा उसी को ले लूँगा। अब देखो इस मेरा 3 किल हो चुका है और मेरा वो चला भी चुका है भाई डील जो होता है। अब आपको पूरा सेफ खेलना है। MP40 को मैं छोड़ दिया इसलिए क्योंकि अभी के टाइम पे MP40 उतना अच्छा नहीं चलता, और मेरे को यहाँ पर देखो 700 टोकन है, तो और एक टोकन बस खोजना है। उसके बाद जैसे ही और एक टोकन मिलेगा मेरे को सबसे पहले की खोलना है ताकि मेरे को 4 लेवल का बेस्ट मिले, और 4 लेवल का बेस्ट कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको पता ही है यार। तो यार मेरा तो यहाँ पे 800 टोकन से ज़्यादा हो चुका है, बट यार यहाँ पे फायर हो रहा था देखो, तो अगर दो बंदे फायर कर रहे तो बीच में घुसो आप लोग, क्योंकि उसका ध्यान अपने ऊपर नहीं आएगा, वो दोनों फाइट कर रहे तो अपन को इजीली किल मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, दो लोग अगर फाइट कर रहे तो दूर से फायर करो, क्लोज में जाने का नहीं तो दोनों मिल के आपको मार देंगे। इसलिए देखो यहाँ पे दो लोग फायर कर रहे थे तो मैं बीच में घुस के मार दिया, क्योंकि उसका ध्यान दूसरा बंदा के ऊपर था। इसलिए अब जैसे आपको बंदा दिखे सीधा आपको रश नहीं करना है, ऐसे करने का नहीं भाई। अगर वो बंदा फायर कर रहा है किसी बंदे के ऊपर, उसका ध्यान नहीं आपके अंदर, तो आप उसको फायर करके मार सकते हो इजीली। अब देखो यहाँ पे और दो बंदे फायर कर रहे हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं, एक बंदा शायद एलिमिनेट हो गया, मतलब वो मार दिया और एक ही बंदा बचा है, तो ये डैमेज होगा मैं सोचा, और मेरे को इसका लोकेशन भी पहले पता चल गया, उसको मेरा लोकेशन पता नहीं है। अब देखो कैसा माइंडसेट के साथ इसको मैं किल करूँगा। पहले एक डैमेज दिया, अब दो डैमेज दिया, मेरे को पता था इधर आएगा,
अब मैं चाहता तो इसके पीछे पीछे भी जाता, लेकिन मेरे को पता था कि बंदा यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा भारी मिस्टेक हो गया भाई, मैं M10 में वन शॉट मारने की कोशिश कर रहा था, बट यार दो गोली चल गया गलती से तो नहीं मरा। अब यहाँ पे भी देखो इसको वन शॉट मारने की कोशिश किया, बट मेरा फ़ोन का टच रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा नहीं है तो यार अच्छे से नहीं लगा, मेरा फायर पहला मिस हो गया। मतलब क्लिक किया और फायर निकला ही नहीं, मतलब गोली निकला ही नहीं, तो दूसरी बार में मैं इसको ईजिली मार दिया। और इसी के साथ यार मेरा 25 किल हो चुका है भाई, 5 किल हो चुका है, 25 बंदे लाइफ है। तो यार मैं यहाँ पे की खोलने के लिए आया उसके बाद, लेकिन भाई यहाँ पे कोई बंदा की पहले से ही खोल चुका था। अब मेरे को आया गुस्सा, बट मेरे को M10 चाहिए था और 2 लेवल का यहाँ पे होगा सोचा, बट 2 लेवल का नहीं था, 1 लेवल का तो मेरे पास पहले से ही था, तो 1 लेवल का M10 यहाँ पे मिला। अब मेरे को जाना था गाड़ी पकड़ के दूसरा वाला खोलने के लिए उसको, लेकिन मैं पैदल जाता तो कोई भी बंदा आके मेरे को मार सकता था, इसलिए मैं गाड़ी लेके आया ताकि कोई बंदा मारे तो मैं भाग सकूं। अभी रिक्स लेने का नहीं, हमको बुइया पे फोकस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया और 4 लेवल का बेस्ट भी मेरे को चाहिए था, तो मैं यहाँ पे चलो लूट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो गैस यहाँ पे सब कुछ लूट करने के बाद पीछे के साइड कोई बंदा फायर किया था जो ड्रॉप है उसके पास से, तो मैं उसको मारने के लिए जाऊंगा, बट गाड़ी यहाँ पे छोड़ दूंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो उसको पता चल जाएगा। सो इसको देखो मैं मारने के लिए आया, अगर गाड़ी लेके जाता तो वो बंदा को पता चल जाता, वो बंदा भी मेरे को मारता, और ऊपर से देखो एक बंदा उसी बंदा को फायर कर रहा था और 1 किल में मेरा मतलब किल हो गया। तो वो बंदा, हम दोनों फायर करते, वो दोनों, वो बंदा हमको थर्डपार्टी करता, इसीलिए मैं दूर से उतरा। और सोलो अगर खेल रहे हो भाई, ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा लॉन्ग रेंज फाइट लेना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोज रेंज फाइट लेना ही मत। अगर लास्ट जोन हो तो भी थोड़ा कोशिश करना कि दूर से ही मैं फायर करूँ, क्योंकि देखो आप लोग का बहुत ज़्यादा मोमेंट है वन शॉट में मारते हो मैं माना, लेकिन देखो क्लोज में एक बंदा को मार दोगे बट थर्ड पार्टी होके दूसरे बंदे आपको मार देंगे, इसलिए दूर से फायर किया करो। इसलिए मैं भी भाई दूर से ही फायर देता हूँ। हाँ, अगर घर वगैरह है, आपके पास कवर है, तो आप लोग क्लोज से फाइट ले सकते हो। अब देखो ये बंदा मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज दिया, इसका लोकेशन मेरे को पता नहीं चल रहा था, फिर भी मैं पेड़ के पास स्कोप कर रहा था ताकि अगर एम आ जाए तो उसको डैमेज लग जाएगा, मार दूंगा, बट एम मेरा आ ही नहीं रहा था, तो भाई मैं यहाँ पे मेडिकेट करने लग जाता हूँ। उसके बाद देखो मेरे पास 900 टोकन है, तो 2 चिप्स खरीद के भाई मेरे को लगाना है भाई। चिप बोलते हैं, मैं चिप्स बार बार बोलता हूँ भाई, सब्सक्राइबर लोग कमेंट करते हैं चिप्स क्यों बोलते हो, तो गाइस चिप बोलूँगा, ठीक है चिप। अब देखो मेरे को वो चीज़ लेना था, लेकिन 2 लेवल का M10 मेरा था, इसीलिए 2 लेवल में भी मैं मार सकता हूँ सोचा, और आ गया ये बंदे के पास रश करने। अब जैसे कि मैं आपको बोला था क्लोज रेंज में कभी भी रश मत करना, देखो ये एक बंदा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसके साथ अगर मेरा फाइट हुआ 1v1 तो मैं इजीली मार दूंगा, आपका भी होगा मार दोगे। लेकिन देखो यहाँ पे पीछे से और एक बंदा मार रहा है, और नीचे के साइड देखो यहाँ पे और एक बंदा, मतलब कि 4 बंदे अचानक से आ गए, 3 बंदे। अब तीनों के साथ आप कैसे फाइट करोगे बताओ। बट भाई मैं यहाँ पे दोनों साइड ग्लो लगा के कवर ले लिया, और ये बंदा जैसे ही उतावला हो गया पूरा भाई रश करने लगा, तो इसको इजीली मौका का फ़ायदा उठा के मार दिया। अब और 2 बंदे भाई मेरे ऊपर जो फायर कर रहे थे उनको सबक सिखाना था, मेरे को गुस्सा आ रहा था, थर्ड पार्टी जो करता है गुस्सा आता है, तो भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उनको ऊपर रश नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर ही रहता हूँ, ताकि देखो जोन तो मेरे पास में है और गाड़ी भी है, जब जोन आएगा तो गाड़ी में मैं इजीली चल जाऊँगा और जोन पास में ही है, लेकिन वो लोग भाई पहाड़ के ऊपर आएंगे, मैं ऊपर के एडवांटेज में हूँ। अब देखो जैसे कि मैं ऊपर के एडवांटेज में हूँ, तो ये बंदा को मैं मारा, ये बंदा ग्लो लगा लिया, कोई बात नहीं, मैं सोचा कि सोनिया बन गया, बट सोनिया नहीं बना, ये बच गया। अब ये बंदा मेरे को जो स्टार्टिंग में डैमेज रहा था इसको मैं मार दिया, और एक बंदा था देखो गैस यहाँ पे, उसको भी मैं मार दूंगा, 2 बंदे मेरे को मिल के कर रहे थे ना, 4 बंदे थे, तो इसको भी मैं यहाँ पे मारूंगा, थोड़ा रुको जोन आने के बाद। तो देखो ये दोनों बंदे आपस में फायर कर रहे थे, क्लोज रेंज में फाइट किए, तो इन दोनों में से जो जीते हारे भाई उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूर से मारेगा वो दोनों को ही मार देगा। जैसे कि देखो मैं दूर से मौका का फ़ायदा लिया और ये दोनों को इजीली मार दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लोज रेंज का फाइट मत लेना। मैं भाई बहुत सोलो खेल चुका हूँ और मेरे को पता है। अब देखो जैसे ही आपका फाइट होगा ना, बंदे लोग आपका ये रेड जो मैप में दिखेगा आपके, आप आस पास के सब बंदे आएंगे आपको पीछे आगे से मारने, तो ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना। और भाई अगर चलते चलते आप जाओगे तो थोड़ा साइड आइड देखते देखते जाना, जंप करते करते, क्योंकि सोलो में भाई किधर से भी मार सकते हैं।
अब देखो मैं लूट करने आया, फटाक से भाई ले लिया, फटाक से सब कुछ किया, उसके बाद भाई मैं उठ गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है लूट करने में, नहीं तो कोई भी बंदा अगर आपको देख लिया भाई तो भाई आप गए, आपको हेडशॉट मार देगा या फिर भाई कैसे भी करके मार ही देगा। और एक चीज़ गाइस यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, देखो मैं बीच में था, जोन के बीच में भी रह सकता था, उधर से ही आया, लेकिन मैं इसलिए जोन के कोने में आया ताकि कोने में बंदा है कि नहीं यहाँ से देखते देखते मैं आगे के साइड जोन में जाऊँगा, और बीच में रहूँगा तो चारों तरफ से किधर से भी बंदे आ सकते हैं। देखो जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा जोन पे आके, तो अगर पीछे में बंदा हुआ तो मैं नहीं देखा होगा तो मार देगा ना मेरे को, इसलिए मैं पीछे से देख के आया। तो बंदा यहाँ पे नहीं था तो मैं यहाँ पे होल्ड करने आया, अब एक बंदा मेरे को दिखा, वो देखो ग्लोल कहाँ लगा रहा है, क्योंकि मैं साइलेंसर लगा के मारा पत्थर के ऊपर से, उसको थोड़ी ना मैं दिखूँगा। तो इसको देखो इजीली किल कर दिया, और मेरा भाई यहाँ पे 11 किल हो चुका है भाई। तो यार आप लोग समझ सकते हो मेरा गेम प्ले से आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, मैं कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक खेला, एक बार भी नहीं मारा हूँ, और इतना ज़्यादा किल भी हो चुका है, और देखो लूट भी मेरे को पूरा कंप्लीट मिल चुका है। तो यार ज़्यादातर आप लोग फोकस करना, वीडियो स्किप करके देखना पीछे, मैं दूर दूर से ही मार के ज़्यादातर किल किया हूँ, क्लोज रेंज में ज़्यादा किल नहीं किया, क्योंकि भाई दूर से ही करना चाहिए। अब देखो ये बंदा को मैं क्लोज में भी जाता तो मार पाता, लेकिन दूर से ही डैमेज दिया, क्योंकि क्या भरोसा भाई क्लोज में अगर गलती से हेडशॉट लग जाए वो मेरे को मार भी सकता है। तो इसी के साथ देखो हमारा 29 का भी प्लस हो गया, और भाई इजीली हम लोग बुया निकाल पाए। तो यार ऐसे ही आपको भी खेलना है, आपका भी बुया होगा हर एक मैच। तो यार चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।